एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है एंड दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल हरियाणा एंड पंजाब कैंडिडेट्स हु वांटेड टू जॉइन डिफेंस सर्विसेज। सो गाइस, ये जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये स्टार्ट हो गया है 27 मई से, ठीक है, ऐसा इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। बट आप जब साइट पे जाओगे, वहाँ पे ऑप्शन देखोगे तो आपको अप्लाई का ऑप्शन नहीं मिलेगा और वहाँ से एक नोटिस डाउनलोड होता है जिसमें 1 जून से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हैं ऐसा लिखा है, ठीक है। आपका लास्ट डेट यही है 17 जून, बट जो आपका स्टार्ट होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन वो 1 जून से है। जो आपका रिटर्न एग्ज़ाम है वो 23 जुलाई का है, अभी ये फाइनल डेट नहीं है, टेंटेटिव डेट है, ठीक है। जो आपका ये पोस्ट है ये ग्रुप सी की पोस्ट है। आपका पे लेवल यहाँ पे लेवल 3 होता है जिसमें आपको अप्रोक्स 25 to 30 thousand का सैलरी मिलता है। फिर यहाँ पे जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो 700 हैं, फीमेल के 223 हैं सभी कैटेगरीज के मिला के, यू आर, ओ बी सी, एस सी, ई डब्ल्यू एस सब के मिला के फीमेल की 223 हैं, ESM की 84 हैं, मेल की 393 हैं और टोटल 700 हैं, ओके। देन आपकी एलिजिबिलिटी में आपका जो एज है वो 18 to 25 होना चाहिए जनरल कैटेगरी का, 18 to 28 OBC का, 18 to 30 SC ST का। एज रिलैक्सेशन भी मिलता है यहाँ पे। मिनिमल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका +2 पास आउट होना चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई डिग्री है तो वो भी। ड्राइविंग स्किल्स होने चाहिए, पोजीशन ऑफ ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव बोथ 2-wheeler and 4-wheeler vehicles। देखो, यहाँ पे आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। मेल कैंडिडेट के लिए मैंडेटरी है, फीमेल का इसमें कुछ लिखा नहीं है। जो मेल हैं उनका तो लाइसेंस पक्का पक्का होना चाहिए। कंप्यूटर स्किल्स भी आपके होने चाहिए, आपको मतलब बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। एप्लीकेशन फ़ीस है यहाँ पे UR का और OBC का 1000 rupees है, SC EWS का 800 है और एक सर्विसमैन का कोई फ़ीस नहीं है, ठीक है। तो आप क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन एग्जामिनेशन एंड सिलेबस, ओके। सबसे पहले आपका रिटर्न एग्ज़ाम होता है जिसमें 100 marks का होता है, वो नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 की। अगर आपने रॉन्ग आंसर किया है तो 0.25 डिडक्ट हो जाएगा, सही किया है तो आपको 1 mark मिल जाएगा, ठीक है। फिर है कट ऑफ, तो आपको जनरल कैंडिडेट को 40%, SC को 35, OBC को 35, एक सर्विसमैन को 30%। ये आपका एक बेसिक क्वालिफाइंग नेचर है, ठीक है। मतलब इतना लाने के बाद में आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते, बट अगर आपने इतना लाया है तो आपने पेपर को क्वालिफाई कर दिया है, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। फिर अगर किसी के पास में NCC सर्टिफिकेट है तो सी सर्टिफिकेट है तो 5% mark मिलता है आपको। जैसे 100 का 5% कितना होता है 5, तो आपको 5 mark मिल जाएगा। बी सर्टिफिकेट है तो आपको 3 mark मिलेगा, ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2 mark मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में आपका फिजिकल फिटनेस और मेजरमेंट का दिया हुआ है। जो मेल कैंडिडेट है उनका 600 meter का रेस होगा, एक मिनट, हाँ, मेल कैंडिडेट का 600 meter का रेस होगा, फीमेल का 800 meter का होगा। मेल अगर 18 से 30 साल का है तो उसको टाइम मिलेगा 6 1/4 minute मीन्स 375 seconds और फीमेल को मिलेगा 255 seconds, ठीक है। मतलब आपको मिलता है 4 minute 15 seconds और जो 30 से 35 का एज है तो आपको 7 minute टाइम मिलता है और फीमेल को 5 minute का मिलता है। 35 से 40 है तो आपको 465 seconds मिलता है मेल को और 345 seconds मिलता है फीमेल को। ऐसे ही 40 से 45 है तो आपको 10 minute मिलता है मेल को और 390 seconds मिलता है फीमेल को। लॉन्ग जंप होता है मेल का 3.95 meter का, फीमेल का 2.74 meter का। हाई जंप होता है मेल का 1.14 meter का, फीमेल का 0.90 meter का, ठीक है। तो आपका फिज़िकल क्लियर हो गया, डेट वगैरह सब क्लियर हो गए एंड आई थिंक मैंने आपको सब बता दिया है जो भी नोटिफिकेशन में था। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।